जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा वृषभ लग्न के जातकों के लिए। तो वृषभ लग्न के जितने भी जातक हैं आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा 6 नवंबर से लेके और 12 नवंबर 2023 का यह सप्ताह। वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक से उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सफलदायी बना सकते हैं। तो जितने भी वृषभ लग्न के जातक हैं यानी कि आपकी कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में अगर दो अंक अंकित है, दो नंबर लिखा हुआ है तो आज का यह राशिफल आपके लिए होने वाला है। तो 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर 2023 का यह सप्ताह वृषभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। तो जितने भी वृषभ लग्न के जातक हैं उनको यह जो सप्ताह होगा इस सप्ताह आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, उथल पुथल भरा यह सप्ताह आपके लिए हो सकता है और सप्ताह की शुरुआत में ही जो है आपको छोटे मोटे छोटे छोटे कामों को निपटाने के लिए ज्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। तो छोटे मोटे जो भी आपके कार्य होंगे सप्ताह की शुरुआत में अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी ज्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है, ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको जो है अपने घर में जो है स्वजनों के से साथ अपने जो परिवारजन हैं तो स्वजनों से और कार्य क्षेत्र जहां आप कार्य करते हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने सीनियरों से जो है संयोग नहीं मिल पाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि आपका मन इस सप्ताह थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। जब आपको संयोग नहीं मिलेगा परिवारजनों से या जहां पे आपके कार्य करते हैं आपके सीनियरों से तो आपका मन खिन्न हो जाएगा और संतान से जुड़ी चिंता भी आपकी परेशानी का कारण इस सप्ताह बनते हुए दिख रही है। तो संतान से जुड़ी कोई परेशानी भी आपको जो है चिंतित कर सकती है। यदि आप रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए जो है वृषभ लग्न के जातक भटक रहे हैं तो आपको इसे पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर 2023 का जो मध्य भाग होगा तो इसमें वृषभ लग्न के जातकों को अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आने के कारण आपका बना बनाया जो बजट था वह सारा बिगड़ सकता है, सारा बजट आपका गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है कोई बड़ी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आपको इस सप्ताह जो है उधार लेने की नौबत भी आ सकती है और व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं वृषभ राशि के वृषभ लग्न के जो व्यवसाय से जुड़े हैं व्यापार करते हैं तो ऐसे लोगों को जो है बाजार में फंसे धन को निकालने में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह जो है बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से जो आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं तो उनसे कड़ा मुकाबला जो है वृषभ लग्न के जातकों को करना पड़ सकता है जो व्यापार बिजनेस करते हैं। नौकरी पेशा करने वाले वृषभ लग्न के जो जितने भी जातक हैं तो वृषभ लग्न के लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध का जो भाग होगा वह थोड़ा मुश्किल भरा आपके लिए रह सकता है। उत्तरार्ध भाग अंतिम हिस्सा आपके लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस दौरान जो है आपके सिर पर कामकाज का कुछ अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर आपकी जिम्मेदारियों में जो है कुछ बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर अचानक से तबादला होने पर भी आपको जो है परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। वृषभ लग्न के जातकों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में अंतिम भाग में जो है घर के किसी बुजुर्ग महिला की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बनते हुए दिख रही है। हालांकि इस दौरान आपको जो है वृषभ लग्न के जातकों को अपने खान पान और सेहत का आपको बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। उतार चढ़ाव भरे सप्ताह के में जो है आपका लव पार्टनर जो है आपके लिए काफी मददगार साबित होता हुआ दिख रहा है और आपसी प्रेम जो है
आपसी प्रेम और विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें, जिन वृषभ लग्न के जातकों का, वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनका, जिनका विवाह हो चुका है, तो वैवाहिक जीवन आपका जो है इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। बात करते हैं उपाय की कि वृषभ लग्न के जातक जो हैं वह क्या उपाय करें जिससे इस सप्ताह को शुभ फलदायी आप बना सकें। तो वृषभ लग्न के जातकों को इस सप्ताह जो है प्रतिदिन आपको मां भगवती की, दुर्गा मां की पूजा करनी है और प्रतिदिन जो है आपको श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ मां भगवती का पूजन करते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आप इस सप्ताह को शुभ फलदायी बना सकते हैं, आनंददायी बना सकते हैं। तो यह उपाय आपको जरूर करना है ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।